हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो कल बहुत ज़्यादा थक चुके थे और अभी उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मुझे सोना था, बट रेडी तो होना पड़ेगा, तो मिलती हूँ रेडी होने के बाद। सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग, मैं रेडी हो चुकी हूँ और माधव और चिंटा जो हमारे साथ आज आने वाले हैं, सो वो भी रेडी है, सिर्फ रोहित बाकी है तो वो भी रेडी हो रहा है। और आज हम लोग डिस्कवर करेंगे सूरत के स्ट्रीट फूड जो कि रोहित हमें दिखाएगा। तो अभी ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं सब लोग, तो मिलते हैं वहाँ। सो अभी हम लोग निकल चुके हैं, मतलब अभी निकल रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं और अभी हम लोग जाएंगे। रोहित कहाँ पे लेके जा रहे हैं फर्स्ट अभी देखते हैं, मतलब सबसे पहले तुझे इधर लेके जाओ, चलना आगे बता तब। ये नहीं बता रहा है हम लोग को, ठीक है चलो हम लोग चलते हैं। तो अभी हम लोग को रोहित ने यहाँ पे लाया है मदिनी खमनी। मड़िनी खमनी, ये गुजराती लैंग्वेज मुझे कभी भी नहीं आएगी, क्या पता कब सीखूंगी। मड़िनी, जब लास्ट टाइम आई थी तो इसको इदड़ा बहुत पसंद आया था, सो मैंने स्टार्ट किया, मतलब हाँ इदड़ा जो खमन में एक आइटम होता है जो गुजरात में बहुत खाते हैं, तो मड़िनी खमनी पे यहाँ पे इदड़ा बहुत अच्छा मिलता है। सो तो मैंने नीता को, मतलब उसको पसंद है जब लास्ट टाइम आई थी, तो अभी उसको इधर खिलाते हैं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग इदड़ा से किया, आगे का देखते हो। यस, तो अभी इदड़ा खाने जाते हैं। उसको बोलते हैं ढोकला और यहाँ पे बोलते हैं नायलॉन खमन। तो जब लास्ट टाइम आई थी तो इसने मुझे कंफ्यूज कर दिया था, मैं इसके लिए ढोकला लेके आया, तो ढोकला मतलब खमन होता है, वो थोड़ा सॉल्टी रहता है, तो ये बोलते अरे ये है ही नहीं, वो थोड़ा मीठा मीठा रहता है, तो मैंने इसको बोला नायलॉन खमन, बोले नहीं ढोकला, बोला अरे नायलॉन खमन है, नहीं बोले ढोकला। तो अभी इसने देखा तो इसने बोला अरे ये मुझे पसंद, बोला इसको ही नायलॉन खमन बोलते हैं पांगी। सूरत में इसको नायलॉन खमन बोलते हैं, जो मुंबई में इसको बोलते हैं ढोकला, तो ये बात है। सबसे मेन बात इदड़ा का, बहुत जनों ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा था इदड़ा क्या होता है और इसका चटनी किधर है, तो ये व्हाइट खमन इसे कहते हैं इदड़ा, जो इसे पसंद आया है, मुझे तो पहले से पसंद है क्योंकि ये मेरी कॉपी करती रहती है हमेशा, जो मुझे पसंद आता है ये इसको भी बहुत पसंद आता है, अभी कुछ दिन में इसको भी घोड़ा पसंद आने वाला है। घोड़ी बन के इसकी चटनी भी मिलती है, वो नहीं लाया इन लोगों ने, इतनी बर्फी पिट्टू इधर रखना, नहीं रख दे, ये इतनी ओवरफ्लो क्यों दी है, पर कैसा लगा, कैसा था ये टेस्ट, बहुत मस्त, मेरे को पूछ रही थी तू, मुझे पूछ। तो ये इसकी येलो चटनी के साथ खाएंगे तो बहुत अच्छा लगा, तो इसका रिएक्शन है, इसको 10 में से कितने दे सकते हैं। सो अभी हम लोग नेक्स्ट लोकेशन पे जा रहे हैं, तो नेक्स्ट जगह पे जा रहे हैं तो पता नहीं क्या खाने जा रहे हैं, अभी क्या खाएंगे तुझे पता है, मैंने एक दिन तुझे खिलाया था जब मैं, तू और दीदी कुछ घर के लिए लेने गए थे, तभी हम लोग ने कुछ भी नहीं खाया था, वो नहीं तुझे मैंने उधर रास्ते पे खिलाया था, तुझे रास्ते का ही खाना है ना आज, हां स्ट्रीट फूड होटल वाला, तो तू भी नॉर्मल कॉमन खाती रहती है, यस मुझे स्ट्रीट फूड खाना है, मतलब मुझे होटल से ज्यादा गाइस रोड का पसंद है, क्योंकि रोड पे जो अच्छा मिलता है, मुझे होटल का बिल्कुल मुझे स्वाद नहीं आता, मुझे भी देखो वापस कॉपी, तो सीधा जाओ, तो नहीं लेफ्ट तू चला इस्कॉन मॉल, लेफ्ट ग्रैंड कुटान मारो बोर्ड, हां नाम तो पता डिश का, तो हम लोग ने खाया था आलू पूरी करके, तो ये कंफ्यूज हो गई थी आलू पूरी किसको क्या लगा, पूरी होगी और सब्जी होगी, बट ऐसा नहीं है, जाके आपको दिखाता हूँ। सो अभी हम लोग आ चुके हैं, इतने हंसने का कारण ये है, कितना प्लेट खाऊ, कितना प्लेट खाऊ, मतलब कितने प्लेट, तो आपको अगर यहाँ पे आके पूछ रहे हैं तो आप बोलोगे कितना प्लेट खाओ, सॉरी अगर मैं गुजराती बहुत गलत बोल रही हूँ मुझे पता है, पर मुझे नहीं आती, पर मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ। लास्ट टाइम आलू पूरी खाई थी
आलू पूरी का सबसे तो पता बड़े खाउसा नाम की एक प्लेट है खाउसा, उसमें चिकन खाउसा भी होता है, वेज खाउसा भी होता है। चिकन चाहिए मुझे। चिकन है यहाँ पे? चिकन नहीं, ऑब्वियसली मॉर्निंग में चिकन मिलेगा क्या? नॉनसेंस मिलता है तू, नॉनसेंस। अरे मिलता है, तुझे पता क्या? मेरे को पता, तुम्हारा पापा बोलता जान दे तुम्हारा क्या वो नाटक है, दुनिया भर के नाटक है। सो अभी हम लोग आए, मतलब वेज खाउसा चिकन खाउसा भी होता है इसमें। बस आज के आज गुरुवार होने के नाते मैं गुरुवार को कुछ नहीं खाता चिकन, ये तो कभी भी खाती है ऑल इंडिया, तो उससे ऑल इंडिया सिस्टम है इसका, तो चिकन तो नहीं खाएंगे, बट नॉर्मल खाउसा था, वेज खाउसा, तो वो इसने खाया नहीं। आज खा के इसका रिएक्शन देखते हैं कैसा आता है, क्योंकि इसने खाया नहीं, आई थिंक, बट मुझे ऐसा लग रहा है इसको खाउसा नहीं पसंद आएगा, क्योंकि इसको मैं कुछ भी अगर मेरे पसंद का खिलाऊ बहुत लग रहे रहते हैं। फिर दो तीन पे दिन बाद बोलती रोहित तुमने वो खाया था, चलना मुझे खाने लेके चलना। ऐसा मैंने कभी भी नहीं रहती पागल की तरह हा? तो इसके साथ साथ रहेगी, मुझे भी आदत लग गई पागल की तरह खाने की, तो खाते चल मालो तुम्हें खाने। अरे ओ माय गॉड, तो ये इसको ऐसे खाते हैं, ऐसे पूरा मुंह में डाल के खाते हैं। मुंह खोखा होगा तो वो ऐसे मत खाओ, दो बार खाओ, अंदर घुसाओ ऐसा मार मार के गुजरा गया। मैं वो सोचा है तो मैं दो बाइट में खाऊंगी, और ये गधा है ना, घोड़े जैसा तो मुंह है, गधे का मुंह पड़ा ही रहता है, तो देखो कैसे उजड़ रहा है। तो मुझे ये नॉर्मल वाला ठीक छे, मुझे नॉर्मल पसंद है, और मुझे क्योंकि हम तो रोड वाले, हम तो कुछ भी खाते हैं, तो छोड़िए तो फाइव स्टार वाली। गर्मी है, ये टाइम चूज करने का रीजन ये है कि यहाँ पे एक स्पेशलिटी है शायद सूरत वालों की, आई डोंट नो, 10 बजे के बाद अगर आप इदड़ा खाने जाओ, इदड़ा ना, सॉरी अगर मैं गलत नाम ले रही हूँ, हाँ इदड़ा खाने जाओ तो नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, तो आपको अगर खाना है तो 9 बजे के पहले ही खाना पड़ेगा। और ये क्या खाया, ठीक है, तो आलू पूरी मैंने पहले भी खाया था, तो खाउसा और आलू पूरी ये दोनों में मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। हमको क्या पसंद, तेरे को क्या पसंद आया? दोनों पसंद आया, नहीं मुझे मुझे पसंद आया, उसको पसंद आया, मुझे खाउसा और आलू पूरी थोड़ा थोड़ा, खाउसा भी थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अभी
देखते हैं आगे। अभी जा रहे हैं आगे, अभी लोचा, अभी हो गया लोचा। लोचा मेरा के वजह से इतना ज्यादा लोचा हो रहा है और क्या पता आगे कौन सा लोचा होने वाला है। लोचा खा वाले Quiet's driving me insane. Silence rattles in my brain. Yeah, I gotta get away. Always waiting for the fall. So guys, इसका नाम है लोचा। तो ये जब ये लास्ट टाइम आई थी तब इसको मैंने खिलाया था, इसको बिल्कुल पसंद नहीं आया था। और अश्विन दादा को ये बहुत पसंद आया था, क्योंकि ये मुझे भी बहुत पसंद है, बहुत मतलब बहुत पसंद है। क्योंकि जब भी मैं इस साइड आता हूँ सूरत में, ये बहुमाली लोचा हाउस, उसका नाम है लोचा हाउस, मैंने पढ़ा वहाँ पे, गुजराती में लिखा है। गुजराती में लिखा है क्योंकि मुझे गुजराती बहुत अच्छी से आती है। मैं गुजराती में हमेशा टॉप में रहती थी स्कूल में। कुछ भी सब झूठ है, कुछ भी लोचा मुझे बहुत पसंद है, इसको तो बिल्कुल पसंद नहीं, बट अभी थोड़े टाइम में इसको भी पसंद आने वाला है क्योंकि मेरे को पसंद है। तो आपको जैसे कि पता नहीं है अभी हमारा झगड़ा हुआ लेकिन खाने के टाइम साथ में रहते हैं। ये हम लोग गाड़ी में बैठ के इसलिए खा रहे हैं क्योंकि बाहर मतलब वो ऑर्डर लेके नहीं खा सकते, तो उन्होंने बोला आप गाड़ी में बैठ के भी खा सकते हो। तो अगर आपको मतलब सूरत में आओगे और आपको ये खाना है लोचा तो आप ये खा सकते हो ना। तो पर गाड़ी में ही खाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं, गाड़ी में लास्ट टाइम गाड़ी में ही खाना पड़ेगा क्योंकि अभी मतलब जो सिचुएशन है, तो उन्होंने मतलब वो ताला लगाया है अंदर गेट पे, तो वो पार्सल ही देते हैं। तो उन्होंने ऐसा कहा आप गाड़ी में बैठ के भी खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए हम लोग गाड़ी में बैठ के खा रहे हैं। ज़्यादा फ्रेम ना आते बट तो ये मुझे अच्छा लगा है पर इतना ज़्यादा नहीं। तो अभी ये मैं इनके हवाले करूँगी, ये सिर्फ पूरा खाएगा पिट्टू। अभी हमारा झगड़ा हुआ था और जस्ट सॉर्ट आउट हुआ है। चाय बहुत ज्यादा ऑसम है, बाहर इसलिए नहीं निकल सकते क्योंकि लोग है तो थोड़ा प्रॉब्लम है, पर ये चाय पीने का मजा ले रहा है। और शायद हम लोग शाम को भी कहीं और जगह पे जा सकते हैं। तो आई डोंट नो आगे क्या करेंगे। पूरा दिन गया, पेट में बिल्कुल जगह नहीं है, हम लोग तो पूरे टायर्ड है ना। किसी को भी शायद भूख नहीं लगी होगी, मुझे तो नहीं लगी, इनका पता नहीं। तो अभी मुझे ठंडा पीने का मन कर रहा है, तो इसलिए मैंने माधव को बोला कि मुझे ठंडा पीना है तो कहीं लेके चल। तो ठंडा पीने आया और रोहित गया है बिकॉज उसको एक अर्जेंट काम आया तो उसको जाना पड़ा। बट कोई नहीं, रोहित गया तो कोई बात नहीं, रोहित की सिस्टर है हमारे साथ। Silence rattles in my brain. Yeah, I gotta get away. सुबह से कुछ ठंडा नहीं पिया था और इतनी ज्यादा पेट पूजा हो चुकी है कि अभी मैं मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। पर ये किटकैट शेक मेरा हमेशा मतलब फेवरेट है, जब भी मैं सूरत आती हूँ तो शेक मेकर ज़रूर आती हूँ क्योंकि ये मुझे पसंद है। और अभी तो कुछ खाने का मन नहीं है, अभी सिर्फ सोने का मन कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ऐसे लग रहा है कि अभी ये ब्लॉग एंड करना चाहिए, तो ये ब्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। और अगर मेरे से कुछ भी गलती हो मतलब हुई होगी तो गाइस आप मुझे संभाल लेना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरे से क्या गलती हुई है, मैं नेक्स्ट टाइम वो ज़रूर इम्प्रूव करूँगी। और कोई नहीं, और सुनो मैं क्या सुन रही हूँ, आप लोगों ने मुझे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाओ और करो, तब तक मैं शेक पीती हूँ। Quiet's driving me insane. Silence rattles in my brain.